हाय फ्रेंड, मैं हूँ सुमन। आज हम लोग देखेंगे किस तरह से विकिपीडिया से इजी ट्रिक की मतलब इजी प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, बैकलिंक लेंगे। तो पूरा प्रोसेस हम लोग प्रैक्टिकली अभी समझने वाले हैं। उसका पहले आप लोग को एक बार दिखा देना चाहूँगा कि मैंने एक बैकलिंक लिए है। जैसे कि मैं इधर पर अगर मैं सर्च करता हूँ, तो गंगा सागर अगर सर्च करके एक विकिपीडिया में उन लोग को जाते हैं, तो मेरा एक वेबसाइट है gangasagartourism.co.in ट्रैवल्स रिगार्डिंग, तो उनका एक उसी वेबसाइट का एक बैकलिंक लिया हुआ है। तो इधर में मैं जाके अगर मैं जाता हूँ इधर पे, देखिए गंगा सागर ए वाला मेरा एक बैकलिंक लिया हुआ है। इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा ये रिडायरेक्ट कर रहा है मेरी वेबसाइट को, जैसे कि ये वाला आपको दिखाया था, इस सेम वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर रहा है इधर पर। तो इस तरह से आसानी से आप बैकलिंक किस तरह से ले सकते हैं, मतलब सिंपल ईजी ट्रिक आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो आप अगर इसी चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी इस तरह से कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। उसका साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, जैसे आपका जीरोदा या आपका हो गया वो जो होता है ना, जीरोदा में शॉर्ट सेल होता है, CNC होता है, तो उसमें किस तरह से किया जाता है उसका प्रोसेस अगर आपको जानना है, या तो आप अगर वाजीडेक्स जेपे या बिटबिन्स में अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो उसका रिलेटेड अपडेट इसी वेबसाइट से इसी चैनल से मिलने वाले हैं। उधर से भी आप लोग देख सकते हैं, मतलब इसी चैनल से माध्यम आप वो सब वीडियो देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए। उसका साथ साथ अगर आप बैकलिंक मतलब जिस तरह से आप बैकलिंक का वीडियो अभी देख रहे हैं, तो आप लोग आगे जानना है किस तरह से ORG, EDU, GOV इस तरह से वेबसाइट से बैकलिंक लेना है, या स्ट्रॉन्ग बैकलिंक जैसे हाई डोमेन अथॉरिटी से किस तरह से बैकलिंक लिया जाता है, या गूगल एडवर्ड्स में किस तरह से वेबसाइट को प्रमोट किया जाता है, या SEO किस तरह से किया जाता है ऑफ पेज ऑन पेज, तो उसका प्रोसेस सब कुछ इसी चैनल पे आपको आगे मिलने वाला है। तो आपको प्रेम पूर्वक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे भी इस तरह से कंटेंट आपको मिलने वाले हैं। तो एक बार मैं देख लेता हूँ, तो अभी क्या है आपको दिखाएंगे, जैसे कि आपको बता रहे थे किस तरह से विकिपीडिया से बैकलिंक लिया जाता है। तो सिंपली क्या करेंगे, आपकी जिस फील्ड का आपका वेबसाइट है, जो भी फील्ड का कैटेगरी का आपका वेबसाइट है, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एक बैकलिंक अगर लेना है, उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर आपको बैकलिंक लेना है, तो क्या करना होगा, उसी कैटेगरी का एक आपको वेबसाइट में जाना होगा, मतलब उसी कैटेगरी एक विकिपीडिया जो पेज होता है उसी रिलेटेड विकिपीडिया होता है उसी फील्ड का। जैसे मेरा एक गंगा सागर टूरिज्म है, तो मैंने गंगा सागर से मैंने बैकलिंक लिया है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको भी एक जो फील्ड है, जैसे मान लीजिए मेरा एक दूसरा भी वेबसाइट है, खाली आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे पूरी टूरिज्म जो है puriturism.co.in, ये भी मेरा वेबसाइट है। तो मैं मुझे अभी क्या है आप लोग को दिखाना भी है और बैकलिंक भी लेना है। तो अभी puriturism.co.in ये वाला वेबसाइट के लिए मुझे एक पूरी का वेबसाइट विकिपीडिया है, उधर से मुझे बैकलिंक लेना है। पूरी विकिपीडिया में मैं जाता हूँ, तो उधर से ये वाला वेबसाइट को एक बैकलिंक देना है। तो क्या करना होगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा, स्क्रॉल करके आपको नीचे एक ऑप्शन आपको इधर पे दिखेगा एक्सटर्नल लिंक करके, एकदम नीचे दिखता है ये वाला, फुटर सेक्शन पकड़ के चल सकते हैं आप। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सटर्नल लिंक है, बहुत सारे इधर पे बैकलिंक लिए हुए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ओडिशा टूरिज्म या ये पूरी NIC जो भी है। ये अगर देखेंगे ये सही से बैकलिंक लिए है, ये जो लिए है ना पूरी ओडिशा टूरिज्म, इसने बैकलिंक लिया है, सही से बैकलिंक नहीं लिया है। अगर आप नीचे जाके देखेंगे इधर पर जो URL अभी दिखा रहा था वो थोड़ा देखिएगा, देखिए ये जो URL है गलत दिखा रहा है, अगर इसको देखें तो ये सही दिखा रहा है। तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से बैकलिंक लिया जाता है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इधर पे एडिट सेक्शन में क्लिक करना है, एडिट सेक्शन में क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको दिखेगा स्टार्ट एडिटिंग, इधर पे आपको क्लिक करना है। मैं उधर से एक बैकलिंक लिए थे गंगा सागर में, उधर का जो फॉर्मेट है बैकलिंक लेने का प्रोसेस, वो मैं कॉपी करके इधर पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि फटाफट होगा, नहीं तो मैनुअली हम डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इधर पर मैं चल जाता हूँ, और इसको मैं एडिट करता हूँ, और मैंने कुछ इस तरह से इसको लिए थे, जो फॉर्मेट इधर पे डाला हुआ है सेम फॉर्मेट में इधर से हम लेंगे। तो इधर पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको एक बार
इंटर मार के ये लिंक क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मेरा इधर पे गंगा सागर टूरिज्म वाला लिंक डाला हुआ है, मैं पूरी टूरिज्म का जो मेरा लिंक है वो लिंक इधर पे मैं डाल दूँगा। सिंपल प्रोसेस है, इजी ट्रिक है, आसानी से कह सकते हैं। बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड आप चीज़ में किए होंगे आगे, लेकिन ये एकदम ही सिंपल ट्रिक है। और इधर पे आपको डालना है जो भी नाम है, आप जिस फील्ड में काम करते हैं उसी फील्ड का नाम डालना है। जैसे कि मेरा पूरी मैंने इधर पे पूरी टूरिज्म डाल दिया, फिर इसको रिकन्फर्म करना होता है, वेरीफाई करना होता है, कुछ जैसे होता है ना। इधर पे मैं जब पब्लिश्ड चेंज में क्लिक करूँगा तो इधर पे वो हेजी कलर का एक ये देता है, ये देता है क्या बोलते हैं अल्फ़ाबेट देता है, वो देख के इधर पे टाइप करना होता है। जैसे इधर पे मैं टाइप कर देता हूँ TIPICARY, इसको टाइप करके नीचे आपको क्या करना होगा, पब्लिश्ड एंड चेंज। तो ये देखिएगा, ये सक्सेसफुली पब्लिश्ड हो जाएगा। और इधर पे देखिए मेरा ये वाला वेबसाइट दिखा रहा है, और नीचे अगर देखेंगे तो ये वेबसाइट का जो URL सही से हुआ है। तो इधर पे मैं अगर राइट क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ विकिपीडिया वेबसाइट से, समझ सकते हो विकिपीडिया वेबसाइट से अगर आपकी वेबसाइट में मतलब रेफ़र करता है, बैकलिंक मिलता है, तो समझ सकते कितना स्ट्रॉन्ग आपका मतलब सपोर्ट मिल रहा है, मतलब गूगल को गुड इन्फॉर्मेशन जा रहा है, जिसमें आपका रैंकिंग में बहुत इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से कंटेंट अगर आगे भी आपको लेना है, किस तरह से बैकलिंक लिया जाता है, तो आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और एक चीज़ अगर किस तरह से करना है, वो कोड किस तरह से डालना है, जैसे कि मैं उधर पे डाले थे, अब वीडियो देख के मैनुअली डाल सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज करके मैनुअली देख के कर सकते हैं उधर पे किस तरह से मैंने कोड डाला था। तो थैंक यू दोबारा।